हेलो फ्रेंड्स, ये है नॉइज़ कलरफिट हेक्सा, जिसका रेट 2200 रुपये कुछ है, फ्लिपकार्ट में मिल रहा है। इस वीडियो में मैं इसके इंटरफेस और फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये एक रिव्यू वीडियो नहीं है, वो सेपरेट एक वीडियो रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंटरफेस पे आते हैं। राइट में इसके सारे विजेट्स रहेंगे, लेफ्ट में इसके शॉर्टकट्स कुछ रहेंगे, बॉटम में इसके सेटिंग्स रिलेटेड शॉर्टकट्स हैं और टॉप में इसके नोटिफिकेशन है। स्टार्ट बटन सिंगल प्रेस करने पर मेनू पर लेके जाएगा, लॉन्ग प्रेस करने पर स्विच ऑफ का ऑप्शन दिखाएगा, या फिर इसका अगर क्राउन बटन को हम रोटेट करेंगे तो इसका वॉच फेस जो सेव्ड है वॉच में वो चेंज होता रहेगा। क्राउन बटन का एक और काम है, वो आपको स्क्रॉल करने के लिए हेल्प करेगा। ऐसे ऐसे ले लीजिए, उसको रोटेट करेंगे तो आपको एक एक करके आप स्क्रॉल कर सकते हैं। अभी एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। पहले विजेट्स पे चलता हूँ। राइट साइड में जो विजेट्स हैं, ये पहले हर्ट रेट है। अगर वॉच वो रीड नहीं कर रहा था तो डिवाइस डिटैच दिखाता है। आपका रेस्टिंग हार्ट रेट, एवरेज रेट दिखाएगा। नेक्स्ट पेज में आपका एक्टिविटी दिखाएगा और कितना परसेंट आपने कंप्लीट किया डेली। अब नीचे जाएंगे तो आपका कैलोरी का कितना परसेंटेज रीच किया, डिस्टेंस और स्टेप्स का दिखाएगा जो आपने गोल सेट किया। अब यहाँ नीचे और जाएंगे तो आपका जो गोल्स यहाँ आप कितना सेट किए आप यहाँ बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्ट्रेस लेवल। स्ट्रेस लेवल आपका ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता रहेगा। उसके बाद आपका एसपीटी यहाँ मेजर कर सकते हैं। उसके बाद अपना लोकल वेदर यहाँ चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो ब्लूटूथ कॉलिंग का ऑप्शन भी है इस वॉच में, तो उसके बेस में आपको ये विजेट में यह मिल जाएगा। उसके बाद म्यूजिक कंट्रोल इसमें, तो आप जो आपके मोबाइल में जो प्ले हो रहा है आप इससे पॉज, प्ले, फॉरवर्ड, बैकवर्ड सब कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्लीप डाटा जो यहाँ दिखाएगा। मैं कल पहना नहीं था वॉच और समय, इसलिए नहीं दिखा रहा। आखिर में कस्टमाइज शॉर्टकट से इसमें आप क्लिक करो तो जो भी आपका विजेट्स यहाँ दिख जाएगा। अगर आपको विजेट्स कुछ कुछ निकालना है, जैसे मुझे कॉल में नहीं चाहिए और वेदर नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ निकाल दूंगा। देखिए यहाँ बाद में प्लस आ गया। देखिए आपको कॉल में नहीं दिखेगा और वेदर भी नहीं दिखेगा। अगला हम लेफ्ट साइड से स्वाइप करते हैं, उसमें पहला ऑप्शन है अलार्म। उसमें क्लिक करो तो आप यहाँ से आप अलार्म सेट कर सकते हैं। उसके नीचे है आपका लोकल वेदर। लेफ्ट साइड से तो आपने जो लास्ट यूज फीचर किया है वह यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगा। नीचे जाएंगे, नीचे जाने पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको। तो पहला है 5 मिनट तक कंटिन्यू आपका स्क्रीन ऑन रह जाएगा। ये वही रेस्ट टू वेक फीचर या लिफ्ट टू वेक फीचर। इसमें आप चाहे तो कितना बजे ये वर्किंग रहेगा उसको आप सेट कर सकते हैं, और जब ऑन होने का कितना देर तक ऑन स्क्रीन ऑन टाइम रहेगा उसको यहाँ पे भी कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको बढ़ा सकते हैं या फिर बंद रखे तो आपका बैटरी भी सेव होता काफ़ी। ये फ्लैश लाइट। उसके बाद डू नॉट डिस्टर्ब मोड है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब मोड के लिए आप अपना जो टाइमिंग से वो सेट कर सकते हैं, वॉच से भी सेट कर सकते हैं और मोबाइल से भी सेट कर सकते हैं। ये आप कितना ब्राइटनेस है, मैनुअल है, ऑटो ब्राइटनेस नहीं है, तब मैनुअली कितना ब्राइटनेस से ये सेट करना पड़ेगा। फिर ये सेटिंग्स, इसमें से बहुत सारे ऑप्शन है, उन बाद में समझाऊंगा। फिर ये आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन ऑफ कर सकते हैं। कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेटर यूज़र यहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइंड ईयर फोन का ऑप्शन है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो फोन अगर बाजू में है तो वो बचते रहेगा। तो आप अगर फ़ोन नहीं मिल रहा है तो क्लिक करने पे आपको फ़ोन दिख जाएगा। फिर ये बैटरी लेवल इंडिकेटर है, जनरली इसमें परसेंटेज नहीं दिखा रहा, कुछ 80, 60, 40, 20 ऐसा दिखाता है, तो उस रेंज में दिखाता है, एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दिखाता। ये है स्टॉप वॉच। उसके बाद इसमें पासवर्ड फीचर है, आप चाहते हैं पासवर्ड सेट कर सकते हैं। फिर आपका फ्लाइट मोड यहाँ पर ऑप्शन है, फ्लाइट मोड ऑन पर सब कुछ ऑफ हो जाएगा। फिर कैलेंडर, और ऊपर में जो है ऊपर में नोटिफिकेशन है, और ये जो नोटिफिकेशन है ये आप अपने मोबाइल से सेट कर सकते हैं, कौन सा आपका नोटिफिकेशन चाहिए आपको, कौन से आपका नहीं चाहिए। चलिए अगला हम सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन, डायल सेटिंग वही आपका वॉच फेसेस जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसका एक और तरीका आप चेंज करने का, ये डायरेक्टली यहाँ लॉन्ग प्रेस करो तो ऑटोमेटिक आपका जो वॉच फेसेस चेंज करके आप देख सकते हैं। ये वही है वॉच फेसेस जो वॉच में सेव रहेंगे। सो अभी हमने ये सेट किया। उसके बाद फिर सेटिंग में जाते हैं। का जनरल कैटेगरी है, जनरल के अंदर में ये वही रेस टू फेक जो मैं बता चुका हूँ, ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड आप ऑन करने का तो कितना टाइम से कितना टाइम तक डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा। फिर पासवर्ड सेव में बता चुका हूँ। स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर क्या है, ये आपका AOD ऑप्शन है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इसमें एक डिजिटल है, डिजिटल कैसा दिखता है आप देख लीजिए, जैसे डिजिटल ऐसा रहेगा। स्क्रीन सेवर में पॉइंटर मोड भी है, पॉइंटर मोड में ऐसा रहेगा। इसका एक और ऑप्शन इसने दिया है बेड साइड क्लॉक बोल के, इसको अगर आप ऑन रखते हैं
जैसे ही आप चार्जर सेट करेंगे तो आपको क्लॉक ऐसे हो जाएगा, ये परमानेंटली ऑन रहता है, आप चाहे तो इसको ऐसे सुला सकते हैं, सुलाने पे ऐसे लैंडस्केप मोड में भी चले जाएगा आपको, देख लीजिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मुझे लगा, तो ये बेनिफिट रहता अगर आप सो रहे हैं या फिर आप चार्जिंग पे रख के आजू बाजू बैठे तो टाइम देखने के लिए ईजी हो जाता। उसके बाद जनरल में एक और लास्ट ऑप्शन जो है वो डबल टैप टू वेक, वो अगर आप ऑन रखें तो जब स्क्रीन अगर बंद हो जाएगा तो डबल टैप करने पे वेक होगा, लेकिन आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा AOD इसमें ऑफ रहना है। और सेटिंग देखते हैं, जनरल तो हो गया है, फिर ब्राइटनेस हो तो मैं हम दिखा चुका हूँ, सॉलिड ऑन बोले तो वही कंटिन्यू ऑन रहने का, कितना देर तक कंटिन्यू ऑन रखना है। और थीम बोले तो ये चार थीम्स हैं अपने, जो अभी मेनू देखा उसके ये चार ऑप्शन है, उसको मैं आगे में दिखाऊंगा, और चार स्टाइल्स में आप देख सकते हैं। ये थीम वन जो है ऐसा रहेगा, वो लिस्ट व्यू में रहता है, देखिए इस तरह दिखेगा। थीम थ्री जो है वो ऐसा रहेगा, और थीम फोर जो है वो ऐसा रहेगा। बाद में उसके बाद जो ऑप्शन है वो है पावर ऑफ, रिबूट, फैक्ट्री रीसेट और अबोर्ट, ये सब ऑप्शन आपको मालूम रहेंगे। फाइनली आते हैं मेनू पे, मैं उसको लिस्ट व्यू कर देता हूँ, आपको देखने के लिए इजी होता है। काफ़ी ऑप्शन मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, जैसे एक्टिविटी रहेगा, विजिट्स में मैंने देख चुका है, हर्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस, स्टॉप वॉच, कॉन्टैक्ट बोलता है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो भी है आपको यहाँ दिखेगा, लेकिन इसके लिए आपको पहले वॉच में उसको ऐड करना पड़ेगा, कुछ 20 कॉन्टैक्ट तक आप ऐड कर सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन जो है आपको यहाँ दिखेंगे, स्लीप डाटा, वेदर हो गया, अलार्म हो गया, ये सब मैं बता चुका हूँ। म्यूज़िक, ये म्यूज़िक जो मोबाइल में चल रहा है आप उसको यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं या कमा सकते हैं, वॉच में प्ले होने लगे या मोबाइल में प्ले होने के लगे यहाँ भी वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, आप 1 से 3 मिनट तक यहाँ सेट कर सकते हैं, कितना पेस में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप यहाँ देख सकते हैं, सेट कर सकते हैं, अब बस प्ले कर दीजिए, अब इसको फॉलो करिए। टाइमर है, फाइंड फोन से पहले मैं भी दिखा चुका, गेम है, कोई शूटिंग गेम है, ओके अच्छा ही है। फिर कैलेंडर, ये अपना वॉइस असिस्टेंट है, क्लिक करके जो कुछ नहीं आप पूछ सकते, लेकिन आपके मोबाइल में ये होना होगा, तो जो भी आंसर आएगा सब मोबाइल पे ही आएगा। तो कैलकुलेटर मैंने बता दिया, स्क्रीन सेवर बता दिया है, बाद में कैमरा, कैमरा आप यहाँ से रिमोट में कैमरा ऑपरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको पहले ऐप में से कैमरे का परमिशन ऑन करना पड़ेगा, फिर क्लिक करने पर वहाँ कैमरा क्लिक हो जाएगा। अब यहाँ SOS ऑप्शन भी है, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप ऐड कर सकते हैं, तो इनकेस आपको SOS भेजना है तो उसमें बटन पर प्रेस करने पे आपको SOS चले जाएगा उस नंबर पे। यहाँ रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, ये सब आपको ऐप से ही करना पड़ेगा। फिर वर्ल्ड क्लॉक है, जो अलग अलग कंट्रीज का आपको टाइम चाहिए। स्टॉक मार्केट अगर आप फॉलो करते हो तो यहाँ देख सकते हैं। फिर QR वगैरह कोड हो गया, सेटिंग्स में बता चुका हूँ। कॉल मेनू, कॉल हिस्ट्री आप क्लिक करते हैं, कितना टाइम में क्या कॉल आया है सब देख सकते हैं। कॉल मेनू में नंबर यहाँ डायल करके भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, आप फ़ोन से यहाँ से बात कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बॉस को कॉल किया तो जा रहा है, कॉल जा रहा है। सिमिलरली आप कॉल अगर आ रहा है आपको तो यहाँ पे आप रिसीव भी कर पाएंगे। बात है स्पोर्ट्स में, इसमें काफ़ी सारे स्पोर्ट्स का ऑप्शन है, समझो कुछ एक्सरसाइज में आपको GPS का रिक्वायरमेंट है, उसमें क्या है कनेक्टेड GPS है, तो समझो आप वॉकिंग यूज़ कर रहे हैं तो आपके मोबाइल के GPS से कनेक्ट होता है, तो आप इसका GPS के थ्रू आप रनिंग वनिंग लेके जा सकते हैं, लेकिन मोबाइल हाथ में रहना जरूरी है। और मैंने इसके साथ एक रन लिया है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। और भी कुछ एक्सरसाइज चाहिए तो आप पर्सनलाइजेशन कर सकते हैं और इसमें यहाँ पे ऐड करके कौन सा आपको चाहिए इसमें से सेलेक्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। फिर ये आपका जो एक्सरसाइज का रिकॉर्ड्स है, यहाँ पे आप वॉकिंग का एक एक्सरसाइज ले लीजिए, सो मैंने 5 किलोमीटर वॉक किया है, तो ये इसमें पेस, फ्रीक्वेंसी वो सब दिखाएगा आपको। भाई हम आ गए वापस, तो ये पूरा हो गया। अभी आते हैं इसके ऐप में, अभी आपको दिख रहा होगा जनरली आपका जो डेली का जो समरी यहाँ ऊपर दिख जाएगा, आप कितना किलोमीटर गए, आप कितना कैलोरी हुआ, आप कितना स्टेप्स हुआ, तो आपने जो एक्सरसाइज किया उसके बारे में आपको यहाँ समरी दिखेगा। फिर आपका हर्ट रेट डाटा दिखेगा, ब्लड ऑक्सीजन डाटा, स्लीप डाटा, स्ट्रेस डाटा, वेट डाटा। यहाँ नीचे चेंज ऑर्डर का ऑप्शन भी है, वो आप देख सकते हैं। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर सी मोर स्पोर्ट्स में जाएंगे तो आप जितना एक्सरसाइज किए हैं उसके ये सब दिखेगा आपको,
समझो मैंने वॉकिंग लिया है जिसमें मैंने कनेक्टेड जीपीएस करके वॉक किया था, तो टोटल डिस्टेंस ये सब दिख रहा है। अगर आप ट्रैक प्ले करेंगे मैं कैसे कौन सा रूट मैंने फॉलो किया पूरा दिखाएगा, और चार्ट में जाएंगे तो मेरा उस टाइम जो मेरा हेल्थ डाटा है उसमें यहाँ दिखेगा, और उसका जनरल समरी जो है टोटल यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसे करके आप दूसरे एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। फ्री एक्सरसाइज मैंने किया, जिम में ज्वाइन किया, जिम का है तो उस टाइम में आपको ये मैप तो नहीं दिखेगा लेकिन आपका जो एक्सरसाइज डाटा इस तरह से दिखेगा और डिटेल यहाँ दिख जाएगा। फिर बाद में डिवाइसेस में जाएंगे, आपके जो कुछ कुछ जो सेटिंग्स जो आपके मोबाइल में है आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। और जैसे वॉच फेस गैलरी है, इसमें आप बहुत सारे वॉच फेसेस एडिशनल आपको दिख जाएंगे। इसमें डायनामिक वॉच फेसेस हैं, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ क्लिक करके सिंक किया था आपके वॉच में सिंक हो जाता है। एक कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन है, कस्टम वॉच फेस क्लिक करिए तो आप कस्टम वॉच फेस सेट कर सकते हैं। तो आप समझिए बैकग्राउंड पहले सेलेक्ट करिए, मैं मेरे एल्बम से एक लेना चाहता हूँ कोई भी फोटो, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया और उसको मैंने अपना स्क्रीन के हिसाब से सेट किया, जैसे मैंने सेट किया। फिर क्लॉक स्टाइल, अगर पॉइंटर है तो पॉइंटर है, अगर डिजिटल है तो यहाँ डिजिटल का ऑप्शन है, तो मैं डिजिटल पे जाऊँगा। समझिए येलो कलर चाहिए मुझे, मैंने येलो कलर कन्फर्म किया, बाद में इसका पोजीशन लेके यहाँ लगा सकता हूँ। फिर अगर समझो मुझे क्या क्या काउंटर हेल्थ डाटा मुझे दिखना चाहिए, तो मैंने स्टेप्स ऐड किया, हार्ट ऐड किया, कैलोरीज ऐड किया, सारा मैंने ऐड कर दिया। और वो जो नीचे का जो डिजिट्स है, नीचे का जो काउंट है कौन सा कलर में दिखना चाहिए, आप यहाँ ऑप्शन है, मैंने येलो ही लिया। आप इसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कैलरी को ऊपर लेके आता हूँ, देखिए चारों इधर इधर एक रहेगा, मैं भी ये शू का इधर लगा देता हूँ। चलिए इस तरह से आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद जहाँ ऊपर में सिंक दिख रहा होगा, आप सिंक प्रेस करते ही सिंक्रोनाइजेशन होगा और आपको ये वॉच में सिंक पर आ, देखिए बस रेडी। सिमिलरली नोटिफिकेशंस यहाँ से कौन कौन से ऐप के चाहिए आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फ़ोन बुक, यहाँ से आप जो फ़ोन आपका यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, 20 नंबर तक आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अलार्म क्लॉक यहाँ सेट कर सकते हैं, वाइब्रेशन, मेजरमेंट यूनिट, आप कौन सा मेजरमेंट यूनिट यूज़ कर रहे हैं यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर अपडेट जो है, इनकमिंग कॉल यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब अगर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं चाहिए तो यहाँ से ऑफ कर दीजिए। नीचे एंटी लॉस्ट रिमाइंडर हो गया। फिर डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी ऑटोमेटिकली सेट करने के लिए एक टाइम दिया है, मैंने सेट किया है रात के 11 बजे से 7 बजे। सेनेटरी मार्क, ज़्यादातर बिना मूव के आप कहीं बैठा रहेंगे तो ये आपको रिमाइंड करता रहेगा मूव करने के लिए। ये एवरी आप सेट कर सकते हैं कितना टाइम में, हर 2 घंटे के इंटरवल में आपको रिमाइंड करता रिमाइंड करेगा। बैकलाइट कितना देर तक ऑन रहना है वॉच का, आप बढ़ा सकते हैं। डेट फॉर्मेट किस तरह से रहना है, रेस टू भी फीचर ऑन है ऑफ है, यहाँ दोनों से कर सकते हैं, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, वॉच से भी कर सकते हैं। फिर आप कैमरा जो है कंट्रोल, आप अपने यहाँ से ओपन किए थे भी आप कैमरा कंट्रोल अपने वॉच से कर सकते हैं। फिर स्टॉक मार्केट, यहाँ से नया नया स्टॉक्स यहाँ ऐड कर सकते हैं जो आपको वॉच में मॉनिटर कर सकते हैं। फिर वर्ल्ड क्लॉक हो गया, यहाँ भी और सिटीज़ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ से पासवर्ड नया पासवर्ड लगा के यहाँ से सकते हैं, जो आपको वॉच का पासवर्ड है आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। और आखिर में मी है, आपका जो गोल्स यहाँ सेट कर सकते हैं, हेल्प फाइल है। सेटिंग्स के अंदर में एक और ऑप्शन है, गूगल फिट के साथ आप इसे सिंक कर सकते हैं, मैंने ऑफ रखा है। और मैप, आप गूगल मैप सेट कर सकते हैं। अपडेट बाकी जो भी है आपके फार्मर और आपका अकाउंट के रिलेटेड रहेगा। परमिशन सेटिंग्स में आपका बहुत सारा परमिशन जो है आपको यहाँ चेक कर लीजिएगा, कुछ परमिशन बंद रहेगा तो आपको शायद यूज़ करने में मुश्किल होगा, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कौन सा आपने ऑन किया है, कौन सा ऑफ रखा है। इग्नोर बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, एक बार याद रखिएगा ये को ऑन रखना पड़ेगा, अगर ये ऑफ रहे तो प्रॉब्लम क्या है, आपका ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और आपका वॉच आपके मोबाइल से डिस्कनेक्ट होता रहेगा। बैकग्राउंड परमिशन भी आपको मालूम है, बस इतना ही है। तो फाइनली मैंने इसके इंटरफेस और फीचर सारा बता दिया आपको। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। इसका रिव्यू मैं जल्दी निकालता हूँ, अगर और कुछ पूछना तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। थैंक्स एंड गुड बाय।